Osaka, 5:10 लगभग इन द मॉर्निंग एंड हम लोगों का राइड अभी शुरू हो चुका है. ये हम लोगों का पहला राइडर हम लोगों के साथ मीट किया है और अभी हम लोग निकल चुके हैं. पेट्रोल अभी देना है? हाँ ले लेंगे, थोड़ा आगे जाके भी ले सकते हैं, थोड़ा आगे जाके भी ले सकते हैं. हाँ अच्छा अच्छा आई होप कि आपको दिखाई ठीक से दे रहा है क्योंकि अभी तक मुझे मालूम नहीं है कि मेरा पोजीशन कैसा है क्योंकि बहुत दिन बाद मैंने अपना ये सेटअप यूज कर रहा हूँ. तो आई होप ये ठीक तरह से काम करेगा. ট্রাফিক না বেরোলে বেরোনো অব্দি অসুবিধা, ট্রাফিক অব্দি না বেরোনো ততক্ষণ অসুবিধা. তোদের ফোন করে দা বল, এই বাঞ্জি কর্ডটা একটু টেনে না, ওইখানে কালারটা দিয়ে হয়ে যাবে. ওই বাঞ্জি কর্ডটা একটু টেনে না ওইদিকে. ওয়াহ পর এক বাইক হ্যাঁ, রেড টি শার্ট মে হ্যাঁ, উসকে বাদ এক কেটিএম হ্যাঁ, ইয়ে एक बाइक है ये और मेरा एक बाइक है. एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, दो आगे और बाइक खड़ा है. हम लोगों को रास्ते में मिलेगा. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, सो फार सो गुड. चलिए आगे जाके मिलते हैं. ऑल टोटल अभी हम लोग के साथ 7 बाइक्स हैं, एक के साथ खाली पिलियन है. एंड दैट्स ऑल, आगे है दो, मैं इधर, पीछे और चार पांच. सो दिस इज इट. अभी हम लोग सबसे पहले जाएंगे जो मेन है वहाँ पर डायमंड हार्बर में. हम लोग शायद वहाँ पर नाश्ता करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे वहाँ पर. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि वहाँ पर कुछ साइट सीन है वो देख के हम लोग सीधा निकल जाएंगे और बकखाली. वहाँ से रास्ते का कंडीशन बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है मैं सुन रहा हूँ, पर काकदीप बोल के एक जगह है वहाँ तक हम लोगों को रास्ता अच्छा मिलेगा. एंड सो फार सो गुड, अभी तक वैसा कुछ दिक्कत आया नहीं है. सो फ्रेंड्स अभी मैं पहुँच चुका हूँ आपका डायमंड हार्बर और यहाँ का व्यू देखिए मेरे पीछे, इधर का व्यू बहुत खूबसूरत लग रहा है. एंड अभी हम लोगों का बाइक उस जगह पे खड़ा है
एंड कुछ अदर राइडर्स आ रहे हैं, अभी तक वो लोग पहुँचा नहीं है अभी तक यहाँ पर. सो मैं इसका सिनेरियो आप लोगों को दिखा रहा हूँ. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अभी टाइम हो चुका है 7:55 एंड बहुत लेट हो चुका है अभी तक. मतलब हम लोग सोचा नहीं था कि इतना जल्दी होगा, जल्दी मतलब आई कैन अंडरस्टैंड इतना लेट होगा. सो एनीवे जो भी हो, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, भले के लिए ही होता है. एंड यस, मैं आप लोगों को एक छोटा सा व्यू देने वाला हूँ. अभी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, एकदम फॉगी वेदर है, पूरा फॉग में भरा हुआ है. फ्रेंड्स, अभी जो आप लोग देख पा रहे हैं ये है मेरा पूरा टोटल ग्रुप. और ये अभी हम लोग हैं नामखाना ब्रिज के ऊपर. एंड मेरे सामने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात बाइक है. एंड हम लोग 8 जन है टोटल. एक्चुअली टोटल हम लोग पहले 12 आदमी थे, उसके बाद ये छोटा होता गया एंड लास्ट में हम लोग अल्टीमेटली 9 जन यहाँ पर हैं. और पहले जो था वो कुछ इस जगह पे कुछ इस तरह से ये देखने को मिलता है. एंड पहले हम लोगों का गाड़ी कुछ इधर से इधर ले जाने के लिए ये सब जेटी यूज होता था. इट्स लुकिंग फैबुलस. सो बेसिकली दिस इज़ माय बाइक एंड उसके साथ एक FZ25 है एंड एक है स्टार सिटी प्लस. सौरभ उसके साथ है होंडा SP125 एंड यह कम्स द क्रूजर 220 एंड यस दिस इज आवर जेरी अनदर रॉयल एनफील्ड एंड दिस इज द ओनर परितोष. एंड नाउ इधर और एक चैनल का शूटिंग चल रहा है. एंड दिस इज द लास्ट, ये राइड के लिए थैंक्स टू एवरीवन. दिस इज द लास्ट ड्यूक. टाइम हो चुका है 12 इन द आफ्टरनून और मैं अभी बौखली पहुंच गया हूँ. ये है मेरा सब बाइक वगैरह यहाँ सब खड़ा हुआ है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि मुझे हम लोग इस होटल पे अभी शेखत होटल बोल के एक होटल है वहाँ पर अपना सामान वगैरह सब कुछ रख दिया हूँ. एंड अपना शूज़ वगैरह और चेंज कर लिया हूँ फॉर्मल टी शर्ट में और शॉर्ट्स में. एंड अभी हम लोग जाएंगे सी बीच और जैसे कि आप लोग देख पा रहे कि वापस आके हम लोग इधर ही लंच करेंगे. लंच करके हम लोग यहाँ से हेनरीज आइलैंड जाएंगे. तो ये है आज का प्लान. तो ये है मेरा भैया, यहाँ पर हम लोग का सामान सारा सब कुछ यहाँ पर है. इनसे बात कीजिए और एक बार पूछ लीजिए कि हम लोग यहाँ पर क्या क्या सामान रख सकते हैं या क्या क्या. और एक और चीज़, हम लोग लंच इधर ही करना पड़ेगा. बोलूँ हमारे एक खबर होटल এখানে ইলিশ কমপ্লিট ভেটকি কাতলা চিকেন মাটন সবই পাওয়া যায় এখানে. সকালে বললেও আমরা টিফিন করে দিই আমাদের এখানে. পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একদম ভালো ফ্রেশ খাবার পাওয়া যায়. আচ্ছা আচ্ছা. সকালে টিফিন কটার থেকে হয়? সকালে বললে আমরা বানাই, আমরা আগে থেকে বানিয়ে রাখি না. আচ্ছা. আর লাঞ্চ কটার থেকে পাওয়া যায়? লাঞ্চ আমাদের এখানে 9টা থেকে শুরু. আচ্ছা আচ্ছা. तो ठीक है, अभी लंच सुबह के 9 बजे से स्टार्ट हो जाता है और बिकेले कटा अवधि पा जाए. बिकेले हमारे 6टा. अच्छा, शाम को 6 बजे तक आपको मिल जाएगा सब कुछ जो भी खाना चाहते हैं. होटल नाम सैकत. होटल का नाम है सैकत अरुण बेड़ा. अच्छा, इनका व्हाट्सअप नंबर या फिर कुछ कॉन्टैक्ट नंबर अगर रहेगा तो मैं शेयर कर दूँगा. मेन खिलाड़ी आज का
ये सब कुछ जानता है इधर का सब कुछ। Yes. Yes. এখান থেকে বেরিয়ে যেতে ভাই পুরো রাস্তা বন্ধ কর না, তুমি স্পিডে যেতে পারবে না, তুমি আসতে যেতে পারবে। बकखाली बीच इधर का पूरा खाली है, मतलब ये पूरा जो सुनामी हुआ था उसमें पूरा तहस नहस हो गया, पर एनीवे दे आर ट्राइंग टू रिबिल्ड इट। अभी कितना टाइम लगेगा वो बोलना मुश्किल है, बहुत ही एयरी है, उतना ज़्यादा धूप लग नहीं रहा है, पर इससे टैन हो सकता है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप कुछ सन क्रीम वगैरह कुछ लेके आइए। एंड पानी बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी हम लोग थोड़ा सा पानी में उतरेंगे, नहाने का कोई चांस नहीं है, कुछ बंदोबस्त नहीं है, पर अगर चाहते तो नहा सकते हैं, पर क्या है सुबह नहा के आए तो और मन नहीं कर रहा है। इट्स लुकिंग फैबुलस एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है थोड़ा खाली खाली है बीच, तो अच्छा लग रहा है। পুরো জলের তলা চলে যাবে এবং ওখানে এক মানে বুক অব্দি জল, জুতো হাতে নিয়ে। সবই স্লিপার হাত মে লে লিয়া, পানি মে উতর গে। ইসকা মজাই কুছ অলগ হ্যায়। सो फ्रेंड्स दिस इज़ द बीच। अभी इधर है समुंदर और ये है बीच का टोटल व्यू, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और यस आई एम रियली वेरी हैप्पी टू बी हियर, बहुत खूबसूरत है, बहुत मतलब आई डोंट नो वेदर कैमरा इज डूइंग द जस्टिस और नॉट, पर बहुत ही खूबसूरत है। सबसे बढ़िया चीज़ मुझे लग रहा है ये जगह जो है एकदम ओपन स्पेस, मतलब खाली खाली सा है, मतलब दीघा पूरी में जो रहता है पूरा एकदम भर के रहता है वैसा नहीं है, पूरा खाली खाली रहता है। एंड इट्स फीलिंग ऑसम, बहुत दिन बाद, बहुत दिन बाद, अरे बहुत अच्छा लग रहा है। বসুন স্যার, এখনো যাবেও না, ও যাবেও না, পরিতোষ দা ইয়া দিয়ে जितना भी धो रहा है नहीं जा रहा है। सो फाइनली दिस इज आवर लंच एंड ओवर हियर वी आर हैविंग आवर वेज फ्रेंड्स एंड हियर वी आर हैविंग आवर नॉन वेज फ्रेंड्स। और अभी ये पैदल चलना शुरू हो गया है और ये है हेनरी आइलैंड एंड जस्ट लुक एट द व्यू, इट्स लुकिंग ऑसम। और मुश्किल ही की बात है कि चल के जाना पड़ेगा, बहुत अंदर तक गाड़ी आ चुका है, लगभग आप लोग देख पा रहे हैं इस झील के किनारे तक गाड़ी आ रहा है, पर उसके आगे नहीं है। चलिए देखते हैं आगे एंड एक्सप्लोर करते हैं कि ये जगह कैसा है। सो ये सच पूछो तो ये हेनरी आइलैंड थका देने वाला है, मतलब क्या है लंच के पहले ही इसको आना चाहिए इस तरफ, क्योंकि आपको लगेज लेके
हेलमेट वगैरह सब कुछ लेके यहाँ पर पैदल आपको जाना पड़ेगा, एंड विच आई फील डिसगस्टिंग, क्योंकि आप टायर्ड भी होंगे। सो कोशिश कीजिए कि हेनरीज आइलैंड पहले आ जाइए, एक्सप्लोर कीजिए जगह को, एंड देन आप बौखली के उस तरफ जाइए एंड वहीं से आप लोग रिटर्न कर जाइए। सो दिस इज़ द हेनरीज आइलैंड विथ वाइट सैंड एंड रियली इट लुक्स ऑसम। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत, इट्स माइंड ब्लोइंग। अभी सबसे पहला चीज़ थोड़ा रेस्ट लेंगे, उसके बाद आगे का। आज के टूर के लिए बस इतना ही रखते हैं, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा, क्योंकि अभी लगभग शाम हो चुका है। हम लोग हेनरीज आइलैंड से निकल चुके हैं और इधर से सीधा एकदम घर की तरफ रवाना हो चुके हैं। थोड़ी देर में अभी करते हैं, आपको अच्छा लगा है। Do not forget to give a like. This is Indrasi signing off. Have a good day.